सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा, नबी के सारे गुलामों के हम गुनाहगारों के यार चुप ना रहो, मेहरबानी होगी मेरे नबी दे दीवाने हो। स्पेशल जुमाया सरकारे उवैस करनी दी बारगाह न्याज मंदी दी नजराना पेश करना, मिलके सारे जरा बोलो हम गुनाहगार के गम खार उवैस। ये नाम ही जन्नतियां ला, जन्नतियां ने लेना है, सब बोलो हम गुनाहगार के गम खार। हाँ मिले सुन्नते सरकार वैसे करनी अपने खालिक
का परस्तार वैसे करनी आशिक सही यद अबरा जिनको है मर्ज़ी है खालिकी हमावा तला जिनको है मर्ज़ी है खालिकी हमावा तलाश उनके हैं काफिला सालार वैसे करनी उनके हैं काफिला सालार वैसे करनी मंजले इश्क तमीना वैसे जाहरी आंखों से दीदारे मुहम्मदी ना हुआ जाहरी दीदारे मोहम्मदी ना हुआ फिर भी करते थे बहुत प्यार करनी फिर भी करते बहुत प्यार वैसे मिलके बोलो फिर भी करते थे बहुत प्यार वैसे लुत्फ दीदार उन्हें हासिल रोज कर ले दीदार वैसे करनी रोज कर ले दीदार रोज कर ले दीदार बख्शिश उम्मत मरहूम की करते थे दुआ बख्शिश उम्मत मरहूम की करते थे दुआ तालिबे अहमद मुख्तार वैसे करनी तालिबे अहमद मुख्तार वैसे ओ सिकंदर इज़हार अकीदती मंजूर हो सिकंदर का इज़हार अकीदती मंजूर आपकी मद हमें अशआर वैसे
चले कमीना वैसे करनी आशिक सैयद अबरार वैसे رب ذل جلال کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام با حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لشبال آپ کی مقدس اور مبارک اس کو بند کر دو بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عقیدتن محبتن عرض کرنے کے بعد بارگاہ سید العاشقین خیر التابعین عاشق حضور حضرت سیدنا اویس بن عامر مرادی قرنی یمنی رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش حاملی نے عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان آئیو لائق سر تکریم متسلیم متعظیم عزیز بزرگو محبین صحابہ فدایان اہل بیت گدایان اولیاء اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 22 سورہ الفاطر سورہ نمبر 35 اسی سورہ مقدسہ کی آیہ مقدسہ 32 ترجمہ کنز الایمان ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے گنہگار ہے
इन बंदों के मुख्तलिफ दर्जे हैं, कुछ गुनाहगार हैं, वमिनहुम मुक्तसिद, इनमें से कुछ मयाना चाल पर हैं, कभी गुनाह हो गया और देखो तो नेकियों के भी पहाड़ नजर आते हैं। और तीसरे तबके का जिक्र फरमाया, वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और इनमें से कोई वो है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में, नेकियों में सबकत ले गया। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हजरते सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सबकत ले जाने वाला मोमिन मुखलिस है और म्याना रवि इख्तियार करने वाला वो जिसके अमल रिया से हो, कभी कभी दिखावा भी कर लेता है, कभी कभी इखलास भी पैदा कर लेता है, कभी कभी गुनाह भी हो जाते हैं, मगर वो ऐसा नहीं है कि गुनाह हो गया तो फिर डटे ही रहा है, वो अपने रब की बारगाह में भी आने वाला है, नेकियों की तरफ भी आने वाला है। म्याना रो, उधर गुनाह भी हो सकता है, नेकी भी। और जालिम से मुराद यहाँ वो है जो नेमते इलाही का मुनकर तो ना हो लेकिन नेमतों पर शुक्र बजा ना लाए, जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं उनका हक अदा ना करे, जो उसकी दी हुई नेमतों का हक अदा ना करे वही तो जालिम है। अल्लाह हदीस शरीफ में है, सैयद आलम सल्लम ने फरमाया हमारा साबिक तो साबिक ही है, यानी हमारा सबकत ले जाने वाला और मुख्तसिद, कभी गुनाह हो गया कभी नेकी, वो नाजी है, रब ताला उसे माफ फरमा दे, वो अपने रब की हुजूर तौबा के साथ रजू लाने वाला है, वो अपने रब की बारगाह में हाजिरी देने वाला है। और जालिम वो भी बख्श दिया जाएगा। हदीस शरीफ में है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों में सबकत ले जाने वाला जन्नत में बेहिसाब दाखिल होगा, और मुख्तसिद जो कभी नेकी करता है, कभी गुनाह करता है, कभी रियाकारी कर लेता है, कभी कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है, उसके हिसाब में आसानी पैदा हो जाएगा, जाएगा वो भी जन्नत। और जालिम हिसाब के मुकाम पर रोक लिया जाएगा और उसको ये परेशानी आएगी, वो अपना जो जुल्म किया होगा उस जुल्म का बदला चुकाएगा, सजा लेगा, अल्लाह के करम और फजल से जाएगा, फिर वो भी जन्नत। मगर जिन हस्तियों का आज मिनहुम साबिकुम बिल खैरात, वो जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले, मैं एक जुमला कह के आगे चलना चाहता हूँ अगर आपके तवज्जो मेरी तरफ हो, फिर उन लोगों की क्या शान होगी जिनके ऊपर नेकी भी रश्क करे। आप बादशाह नाम भी बोलने तो टाइम गुजर जाएगा, फिर उन लोगों की क्या शान होगी जिन पर नेकियां भी रश्क करती होंगी। अब मैं दोबारा कहूं तो फिर दोबारा जुमला बोले, वो कैसे अजीम लोग होंगे जिनकी पेशानियां चूमने के लिए फरिश्ते भी तरसते होंगे।
मैं और जुमला कहूँ तो आप बोले, और मस्जिद उस्मानी सागर रोड से हजरत वैसे करनी के वसीले से ये सलाम मदीने वाले की बारगाह में जाए, फिर उस बंदे का के मुकाम होगा जिन सलाम उस कैसा नेक, कैसा अजीम, कैसा रास्तबाज, कैसा अकीदे का मुखलिस, इश्क च आला, वफा च आला, इताअत च आला, प्यार च आला, फकर च आला, इताअत च आला, नमाज च आला, दुरूद पढ़ने च आला, सलाम कहने च आला, मुस्तफा दा नौकर बनने च आला। उच्चा बोलो यार, يحجزه إيمانه أن يسأل الناس منهم أويس بالقرن منهم أويس بالقرن وفرات بن حيان मेरी सरकार ने सहाबा नु बुलाया कोल बिठाया लबा नु हलाया फिर करीम बोले करम बोलिया अजीम बोले असमत बोली रहीम बोले रहमत बोली अमी बोले अमानत बोली सखी बोले सखावत बोली नूर बोले नूरानियत बोली हादी बोले आयत बोली सिराज बोले रोशनी बोली आजाद दे कटल सुनिया हुजूर बोले अरशा वाला रब आप मेरी सरकार फरमाने हैं मेरी उम्मत च कैसे नेक लोग मुसलमान भाइयों किताब नाम की छपी हुई मेरे को मौजूद है जिल्द नंबर 2 है बंदा 2 नंबर नहीं होना चाहिए बंदा 1 नंबर होना चाहिए हवाला पेश कर रहा हदीस नंबर 1570 मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मेरी उम्मत अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जड़े मस्जिद अंदर नंगिया होने की वजह तो नहीं जानगे कुरिया होने की वजह तो नहीं जानगे बेलिबास होने की वजह तो नहीं जानगे अल्लाह के नबी क्यों नहीं जानगे फरमाओ ऐसे गरीब नमाज होंगे ऐसे गरीब नमाज होंगे मेरे नबी के नाम पे देना लो मेरे नबी के यारा ने नाम के लुटान लो कभी वोस पाक सरकार दी यारियां देना लो मसरू उस्मानी दी इंतजामिया मैं सलाम पेश करना जड़े आज खाजा खादवा वैसे करने दे लंगर पका के नमाज जुमा के अंदर सलाम अकीदत पेश कर ऐसे गरीब नमाज मेरी उम्मत के औली आयोंगे जिन्ना दे मेरी उम्मत का गरीब नदार के मोहताज सवाल करना है जो और ना कभी किसे खाली भी मोड़ो अपना लिबास उतार के नबी दे गुलामानो पहना देंगे अपना लिबास भी उतार के दूसरे नु दे देगा अपने उत्ते इतनी तरजीह है
ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਾਤ ਬਿਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ एक चीज का लुत्फ नहीं आया तो ये बोले भी हो तड़प भी है लगन भी है जज्बा भी है मगर अकीदे का जरा जुमला सी ना वो अजे तुम तो दूर रहे हो शायद मैं समझा नहीं सकिया दोबारा कह देना मेरे नबी पाक ने दुआ का नाम दसिया हुण तू दस लै कलमा पढ़ के नबी का इलम मनना है कि नहीं मनना मंजले इश्क गामी ना वैसे करनी मंजले हाँ मंजले इश्क गामी ना वैसे करनी अल्लाह के बलियां की सीरत की है अल्लाह के बलियां का किरदार की है जनाबे वैसे करनी रजी अल्लाह ने आपका जिक्र कर रहे हैं यमन के इलाका करन अंदर कबीला मुराद का एक खूबसूरत नौजवान मेरे नबी का दीवाना ते परवाना मजीद गल्ला के डाके करांगा ऐसे ही यतुल औलिया अबू नुएम सुहानी की किताब मेरे के मौजूद है दूसरी हदीस तिलावत करना जाना हजरत उमर करनी रजी अल्लाह तआला आपकी इज्जत अजमत सुनना चाहना है आपकी सीरत भी सुन आपका किरदार भी सुन नौजवान भाइयों आज के मुआशरे के अंदर जितने बेहयाई आम है और यानी आम है इश्क रसूल रखना लियो इश्क रसूल सिर्फ नारियां ना नहीं किरदार दे नाल है किरदार दे नाल है अमल दे नाल है हकीकत दे नाल है जनाब सैयदना उवैसे करनी रजी अल्लाह तआला किन्ने बड़े आबिद ने किन्ने बड़े जाहिद ने इश्क रसूल की डिग्री क्यों मिल गई ये नबी करीम की गुलामी का इतना बड़ा इज्जत वाला ताज किवें मिल गया आशिक किस तरह दे होने आशिक का किरदार किस तरह होता है आओ सुनिए मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो दे नाल जनाबे उवैसे करनी रजी अल्लाह आपका मोहब्बत बड़ा पैगाम सुनो قال كان اويس القرني اذا امسى يقول هذه ليله لك خيركم حتى يصبح وكان يقول اذا امسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح قام ویسے کرنی جدو شام ہوندی اکھاں وچوں آنسو نکل دے روندے روندے ارشاد فرمانے او لگو اج رکوع دی رات ہے ساری رات حالت رکوع وچ گزار دیندے حتا کہ صبح ہو جاندی پھر آنسو تو آندے رہندے دوجی شام آندی تے شام دے وقت ارشاد فرمانے اج دی رات आज की रात सजदे दी रात है जनाबे ओ वैसे करनी सारी रात सजदे विच गुजार देंदे हत्ता के सुबह हो जानी कभी रात सजदे अंदर कभी रात रुकू अंदर कभी रात कयाम अंदर मैं सदके ना अल्लाह दा कुरान इन लोगों की अजमत बयान करता है आओ कुरान और ना समाप्त करो अल्लाह की शान फरमा रही والذين يبيتون لربهم سجدا शाम आंदी ते फरमांदे आज दी रात रुकू दी रात है जागो यार हां हां हां
अल्लाह वालियां दे असी नौकर हां, अल्लाह दे वलियां दे असी खादिम हां। कदी वटे मारते ने लोग, कदी मजाक उड़ाते ने लोग, हसते ने वैसे करनी ते लोग मजाक उड़ाते ने। इन्हों लोग अजमत समझनी आ, आ किसे नबी दे गुलाम कोल बह के समझ, इन्हों लोग की शान समझनी आ किसे नबी दे मलाम कोल बह के समझ। चरसा वाले कोल ना बह, सूटिया वाले कोल ना बह, ओए बेनमाजी कोल ना बह, किसे कुरान पढ़न वाले कोल बह, हजूर का फरमान पढ़न वाले कोल बह। आपत बख्तां विच ना बह, उस मजहब विच बह, उस महफल विच बह जिन्हां विच बहन आला। अल्लाह के नबी फरमाने ला यश्का जली सुगुन, ओए तुरदा तुरदा ओना दी महफल अंदर नियत ना नहीं आया, सिर्फ ए ना वेखिया है इत्थे नेकां दा जिक्र है, नबी दे यारां दा जिक्र है, अहले बैत दा जिक्र है, वलियां दा जिक्र है। ओ रात तुरदा तुरदा लोग पुछदे ने इत्थे जुमे क्यों पढ़दे हो, ओथे जुमे क्यों पढ़दे हो। ओ नबी दे गुलामो ए तमीम हासिल करो, लगदा लगदा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ। आजम चिश्ती फरमांदे ने तेनू लभदियां आप गवाचे, तेनू Yeah।
फिर फरमाने अज सचते रात सारी रात सचते गुजर जानी जनाबे सैयद ना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला आपका कौल मुबारक वकान इज़ा अमसा तसद्दक बिमा फी बैतिही मिन अल फद्ल मिन अत तआम वस्सियाब सुबह जो मजदूरी कर दे राम शाम नु खरीद के लेंगे अम्मा दी खिदमत कर दे खिदमत करन तो बाद जितना रोटी आटा खजूर बच जाता पहनने को अलावा कपड़े बच जाते रखते खलो के आवाज देंगे नबी के गुलाम उवैस सोलो नबी का सदका है वैसे करनी करनी सवेरे ने जे खाना तुसी कदों बोलोगे किन्ने प्यारे हो किन्ने शहजादे हो एक बारी दीवाना वार आखो यार सुभान अल्लाह फिर आजम चिश्ती इजाजत होवे तो फिर पढ़ा आजम चिश्ती वैसे करनी रजी अल्लाह जमा नहीं जे करना तुसी ते फिर वर्णन आले हो मैनू पई हुंदी मैं जमा कर लां पता सवेरे की वर्णन ओए होए मेरी 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 मैं तो तुहानू आंदा नहीं मैं तो अपनी गल करदा वो कैसे लोग सो कैसा तवक्कल कैसा रिश्ता सी उन्हां दा रब दा असी पहला सवेर दा जोड़ने पकाने सवेर जोगा रख लो ना ओ यार सवेर जोगा दे रख लो ओंदे जिन्ने पैदा कीते हुण दित्ते सवेरे भी दवे ऐसा दिस पाक दा जदों मैं आप ते कौले मुबारक दा जो मैं आखिरी कलिमा पढ़ना तो रश्क करेगा जे विच दिल होया बड़ी मेहनत की थी मैं इस मज़मून को अल्लाह आज़म फरमा दे वैसे करनी हर शे लुटाई होंगे सवेरे की खाना जे अम्मा जी भी माजूर ने नबीना ने जनाब कमाल हो गई आज़म बोल के आने एक बारी महबूब बुलावे ते रोटी टुकर कपड़े ने ना एक बारी वारी एक बारी महबूब बुलावे ओ असी सिर नू पैर
बना आइए शिशिर नो पैर बना आइए ओ सिर मंगे सिर दे दिए असी कदी भी दे ये कदी न यारी न शिकवा करिए कदी न यारी न शिकवा करिए भावे सैक दिना मर जा ये आजमिया यारी ना लाए आजमिया यारी ना लाए ओ जे लाए ते तोड़े निभाए ये उच्चा बोलो आजम यारी ना लाए कदी पढ़ो मेरे नाल ना आजम यारी ना लाए जे लाए तो سیدنا صدیق اکبر گئے فرما بلال کلمہ طیبہ ہولی پڑھ لیا کرو احد احد ہولی کہہ لیا کرو وحدہ ہولی کہہ لیا کرو اللہ اللہ ہولی کہہ لیا کرو بلال بول کے آنے لگے آزم یار ویسے کرنی تیری بارگاہ عالیہ چ با ادب عرض کردا اے ویسے بول کی بول دے او ویسے کرنی دعا کر دے ہیں اللہ میرے نبی دی امت
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਸੋ ਗਿਆ ਵੈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿਓ ਹੁਕਮਰਾਨੋ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਨ ਲਿਓ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਡਾਉਣ ਲਿਓ ਉਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ ਖੁਦ ਤਰਜਮਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਮੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਖਨ ਦਾ ਇਮਾਮ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਹਸੀਨ ਵਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾ 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 ਕੈਸੀ ਖੇੜੀ ਮਨਾਈ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਵਣ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨ ਮਲਾਈ ਸੈਦ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਐਸਾ ਆਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੋ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਾਗੋ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾ ਵਾਲਾ ਨਬਲੁਵਨਕੁਮ ਬਿਸ਼ੈਇਨ ਮਿਨਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੂਇ ਵਨਕਸਿਨ ਮਿਨਲ ਅਮਵਾਲ ਵਲ ਅਨਫੁਸ ਵਸ ਸਮਰਾ ਵਬਸ਼ਿਰਿ ਸਾਬਿਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਓਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਰੌਣ ਜਾਗੋ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਦਰ ਖੁਬੈਬ ਬਿਨ ਸੁਹੇਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਚ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੰਝਧਾਰੇ ਚਾਈ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਚ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਡਗ ਮਗਾ ਗਈ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਫੱਟਿਆ
पुराना कंबल कुत्ते ओढ़िया होया है, कश्ती विचों निकल गए, पानी उत्ते नमाज पिया पड़दा है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, नहीं मजा आता, मजा आवे जरा, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। लोगा ने तो जो दर कर ली है अल्लाह दे वली है मैं इतना जवान असी तेरी खिदमत की चर्च करने आ अल्लाह को लो दुआ मांग अल्लाह को लो दुआ मांग अल्लाह को लो दुआ मांग फरमा कश्ती छड़ दियो ओदे ते भरोसा करके सारे मेरे नाल पानी उरे खलो जो मैं जाना पानी इजाजत होवे ते बुल्ले शाह पढ़ ला नहीं इजाजत होवे थोड़ी इजाजत ना दी हां हां हुन जेड़ा ए शेर सुन के नाना बोलिया ओ ते जरूर भी जरूर किसे अल्लाह दे वली को टुर जाए चेक चेक करा ले किधरे अंदरों काम मुक्का ही ते नहीं मुक गया सरकार फरमाने चढ़ते सूरज ढल दे दाऊद भाई चढ़ते सूरज ढल दे ओ बोलो नबी दे गुलाम चढ़ते सूरज अजे भी नहीं बोल दे ओ कितो सुबह चढ़िया सी कितने आके खलोता हुआ ये गो किधर जा रहे हैं हम सारे बोलो नबी दे दीवाने चढ़ दे सूरज अगला जुमला तुसा बोलने चढ़ दे सूरज ढल दे देखे चढ़ दे बुझे दीवे बल दे देखे हीरे का कोई मुल ना तारे खोटे सिक्के चल दे देखे खोटे सिक्के चल दे देखे नबी दे दीवानियों तनु कसम मदीने दे दे प्यार दी शेर जरा जाके सुनियो जे जिन्ना दाना जगते कोई जगते कोई पूरा हाल सहन उत्ते जड़े छत ते गैलरी अंदर सारे जात के जवाब दिया ने चिंता दाना जगते कोई ओली पुत्र पल दे जिन्ना दाना जगते बोलो यार बोलो जरा सारे जिन्ना दाना ओवी पुत्र कदी दयानादारी ना नजर मारना ओ जिन्ना दी मां भी नहीं हुंदी जिन्ना दा सर बाप भी नहीं हुंदा फिर रब उहनां नूं जदों करम करदा है ना फिर ओ पतीनियां दे नौकर निकले जिन्ना दाना जगते कोई जिन्ना मैं दोबारा अर्ज ना करा मेहरबानी कर ला मिन्नत सारे नबी दे गुलाम बोलो जिन्ना दाना जगते कोई ओवे पुत्र पल दे तेरे ओवे पुत्र ये शेर मैं क्यों पढ़िया है ओदी रहमत दे नल पल दे पानी उत्ते चल दे सरकार
फरमा देने आ जाओ जहाज कश्ती रहन दियो तुसी आ जाओ। आप फरमाते डुबन दो इन्हू आखी है ना दुआ करो दुआ इन्हों आखिए ना दुआ मंगो डुबदा पिया है ना इस जहाज च माल पता सा केड़े शहर ले जाने मेरा मुल पै जाएगा जे तुसी इस जुमले ते कदी बोल पैंदे दोबारा कहना चाहना उन्हें क्या हजूर असी ते पानी ते खलो गए हां अल्लाह करम फरमाया जनाब मेहरबानी फरमाओ ये जेड़ा जहाज है ना इहदे विच जिन्ना तजारत दा माल है अजकल मदीना तैयबा विच कहा दा जमाना है असी सारे ताजरे माल सोने दे शहर लेके चले जे जहाज डुब गया फिर की बनेगा वैसे करनी दुआ मंगी जिदी दुआ रब मोड़गा। जहाज भी तर के आ गया बाहर जहाज भी तर के आ गया। एक बारी आप बड़ी भुख लगी त्रै दिन लग गए भुखे मंगया नहीं कुरान तुहानू आखिए ना जनाब ए जरा मस्जिद की खिदमत कर दियो हालात बड़े खराब जनाब मदरसे की खिदमत कर दियो बिल ही बड़ा ठीक हो ए तो बाहर निकल के ओ जिन्ना ड्रामे बाज नु लत्तां बनी होंदियां मैं तो सुने उन्हां दी कोठियां भी होंदियां आ जिहड़े प्रोफेशनल बेकारी उन्हां नु तो इन्ने रुपये दे छड़ दे अपनी इज्जत दी गल होवे तो बड़ा कुछ दे छड़ दे ये वेखिया कदी ओने मंगया जे ओने पूछ ही लिया कि मेरे दिते जो दिता ही ते किंज दा दिंदा रे जड़े ओदे हुंदे ने ना गड़गड़ा के सवाल नहीं करदे लोकां कोल दियो ओ इहनां कोलों नहीं मंगदे फिर लोह मदीने की तजल्ली से लगाए लोह मदीने तजल्ली से लगाए अनवार बनाए हुए हैं मतीले अनवार मिलके जरा कह लो दिल को मतीले अनवार जल्दी जल्दी करो यल्ला चलो जल्दी करो अगे निकल लो पीर नसीर अजी नसीर फरमाने उस टाइम सरकार ने कर्म फरमाया मैं शेर रखे